हेलो बच्चों, वेलकम बैक। सो इन दिस वीडियो हम आज एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 का फर्स्ट वन सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन 1 में ए बी सी डी पैरेललोग्राम दिया गया है। अभी आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि ए डी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल डी सी बी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल ओ सी इज इक्वल टू क्या होगा, और मेजर एंगल डी ए बी और मेजर एंगल एम सी डी इज इक्वल टू क्या होगा। तो बहुत ही ईजी है बच्चों, देखना क्या है हमें। तो यहाँ पे ए डी, बच्चों ए डी, तो यहाँ पे भी दिख रहा हो ए डी, तो ए डी को इज इक्वल टू कौन होगा, बी सी होगा। क्या होगा, बी सी। क्या लिख सकेंगे हम, ऑपोजिट साइड इन पैरेललोग्राम आर इक्वल। रीजन लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, बी सी होगा। क्यों बी सी होगा, बिकॉज इन पैरेललोग्राम क्या होगा, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। नाउ एंगल डी सी बी आपको क्या दिया गया, एंगल डी सी बी, तो एंगल डी सी बी क्या होगा बच्चों, एंगल डी सी बी, तो एंगल डी सी बी को ऑपोजिट कौन सा होगा, एंगल डी ए बी। तो लिख सकता हूँ मैं एंगल डी ए बी, यहाँ पे लिख सकते हैं ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। मैंने आपको पहले ही बताया था प्रॉपर्टीज के वीडियोस में, बहुत ही इजी है, प्रॉपर्टीज याद रख लोगे तो क्वेश्चन भी आपको इजीली कर पाओगे। ओ सी इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, ओ ए। क्यों, डायगोनल बाइसेक्ट बाय डायगोनल्स, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, मेजर एंगल एम डी ए बी इन में प्लस सी डी ए कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री, अभी पता है, बिकॉज लिख सकते हैं हम एडजेसेंट एंगल्स आर, एडजेसेंट एंगल्स क्या होंगे बच्चों, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, लिख सकते हैं ऐसे, सप्लीमेंट्री मतलब दोनों का एंगल का एडिशन कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमारा खत्म हुआ। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ऐसा बोला गया बच्चों, यहाँ पे मुझे जो मेरे अननोन है, मुझे वाई एक्स वाई एंड जेड फाइंड आउट कर ले हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों, मुझे फाइंड आउट किया है, गिवन मैं लिख देता हूँ पहले, गिवन मेरे पास, गिवन मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 100 डिग्री है, मुझे फाइंड आउट करना है एंगल, मुझे फाइंड आउट किसकी वैल्यू करनी है, वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू एंड एक्स की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ बच्चों, मेजर एंगल बी इज इक्वल टू मेजर एंगल डी इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 100 डिग्री, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अभी मुझे बच्चों y मिल गया, y कितना मिला मुझे, 100। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी हमने समझा क्यों, बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। नाउ आगे जेड भी मिल गया बच्चों मुझे, जेड इज इक्वल टू क्या मिला मुझे, 180। वाई आपके पास था 100 प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 100, देयर फॉर जेड इज इक्वल टू 80 डिग्री मिल गया, z 80 डिग्री मिल गया बच्चों। तो ऑपोजिट x भी क्या होगा आपको, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं z इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 80 डिग्री, लिख सकते हो ऑपोजिट एंगल्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड वन में बच्चों आपको वन एक्स एक्स वाई वन और जेड दिए हैं।
तो यहाँ पे ऑलरेडी थोड़ी बहुत तो हिंट आपको दे ही दी गई होगी। सो यहाँ से बच्चों मैं इसे लिख सकता हूँ एंगल 50 डिग्री इज इक्वल टू एंगल 1, लिख सकता हूँ इसे, हमें पता ही है ऑपोजिट एंगल। रेडी, नाउ मैं इसे लिख सकता हूँ बच्चों एंगल 1 प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, लीनियर पेयर। देयरफॉर आपका एंगल जो 1 है वो कितना आ जाएगा बच्चों, सॉरी एंगल जेड इज इक्वल टू, एंगल 1 कितना था 50 डिग्री, सो 180 माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू जेड आपका कितना आ जाएगा बच्चों 130 डिग्री। यहाँ पे बच्चों आपको जेड मिल गया, ये आपको जेड मिल गया 130 डिग्री, एंगल 1 मिल गया आपको 50 डिग्री। नाउ नाउ बच्चों फाइंड आउट क्या करना है मुझे, जेड मिल गया, अभी मुझे फाइंड आउट करना एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 50 प्लस वाई प्लस 1 प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री होगा एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो मैं लिख सकता हूँ ऐसे एंगल एंगल एक्स प्लस एंगल 50, ऐसे नाउ एंगल एक्स प्लस एंगल 50 प्लस एंगल वाई प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 360 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी एएसपी के हिसाब से बच्चों। तो यहाँ पे एंगल एक्स कितना दिया गया बच्चों नहीं पता है, तो एंगल एक्स प्लस एंगल 50 ऑलरेडी है हमारे पास, एंगल वाई वी डोंट नो, एंड एंगल 1 मुझे दे दिया है 50 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। नाउ बच्चों 50 प्लस 50 ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ओके तो 50 प्लस 50 100, उसको मैं उस साइड जाने देते, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 100 डिग्री, ऐसे लिख सकता हूँ। तो एक्स प्लस वाई ये कितना हो जाएगा बच्चों एक्स प्लस वाई, सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360 में से 100 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा बच्चों 260 डिग्री। अभी बच्चों एक्स एंड वाई दोनों क्या थे, इक्वल ही है, यहाँ पे देख सकते हो एक्स एंड वाई बोथ आर इक्वल, क्यों, बिकॉज इन ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 260 डिवाइडेड बाई 2, क्यों, बिकॉज एंगल एक्स एंड एंगल वाई दोनों इक्वल है इसीलिए। तो ये आपका हो जाएगा 130 डिग्री, हैंस लिख सकते हैं हैंस एंगल एक्स इज इक्वल टू 130 डिग्री, एंगल एक्स इज इक्वल टू 130 डिग्री, एंगल वाई इज इक्वल टू ऑल्सो 130 डिग्री, एंड एंगल जेड इज इक्वल टू ऑल्सो 130 डिग्री। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे को वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से, हमने 7th स्टैंडर्ड में समझा था कि दो पैरेलल लाइन होती है, एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है, मतलब अगर यहाँ से ये एक लाइन क्रॉस है, यहाँ पे ये लाइन क्रॉस है, तो ये जो दोनों एंगल क्या होते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं। तो देयरफॉर मैं ऐसे लिख सकता हूँ एंगल एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्यों, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। तो यहाँ पे मुझे एक्स तो मिल गया बच्चों। नाउ हमें पता है बाय एएसपी एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से, ये ट्रायंगल देखो आप, यहाँ से मैं से लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये ट्रायंगल की बात करूँ मैं तो, यहाँ पे एक 90 डिग्री आपको मिल गया, ये 30 डिग्री है, तो यहाँ से लिख सकता हूँ 90 डिग्री, देयरफॉर 90 डिग्री प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा बच्चों 90 प्लस 30, तो 90 और 30 100 और 120, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री होगा। यहाँ से 90 प्लस 30 120 को राइट हैंड साइड जाने दो, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू 180 में से 120 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना डिग्री बचेगा बच्चों 60 डिग्री। ये आपको वाई मिल गया, यहाँ पे हमें नया एक्स मिल गया। नाउ हमें फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, जेड फाइंड आउट करना है। तो जेड फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे ये मेरा देखो जेड बन रहा है, यहाँ पे हमने समझा था दो इंटीरियर इस तरह से, आपकी कोई भी पिछले साल आपने समझा होगा कि यहाँ पे इस तरह से दो पैरेलल लाइन है एक दूसरे को और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो यहाँ से ये जो जेड बनता है ये दोनों को कैसे होंगे इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे भी बच्चों ये देख सकते हो आप, ये लाइन और ये लाइन, यहाँ पे ये जेड बन रहा है, इसका मतलब जेड एंड वाई ये दोनों कैसे होंगे इक्वल होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, नाम दे दो नो प्रॉब्लम, अगर
तो मैं डायरेक्टली क्या करते हैं पता चल सकता है, अगर मैं इसको ए, इसको मैं बी, इसको मैं सी और इसको मैं डी दे देता हूँ, ओके। सो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि भाई ए बी सी डी है मेरा पैरेललोग्राम है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि भाई हियर ए डी, ए डी है ए डी, ए डी और किसको पैरेलल है, ए डी और बी सी को पैरेलल है, और मेरा जो बी डी है बी डी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी एंड बी डी इज अ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल है, देयर फॉर मैं ऐसा लिख सकता हूँ एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल जेड, एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल जेड, क्यों, बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स रेडी, ये अल्टरनेट एंगल हो गए, देयर फॉर एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल वाई, अब हमें पता है कितना था 60 डिग्री, इज इक्वल टू एंगल जेड इज इक्वल टू 60 डिग्री, देयर फॉर हैंस हम लिख सकते हैं बच्चों, हैंस एंगल एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल वाई इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल जेड इज इक्वल टू ऑल्सो 60 डिग्री। आई होप ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 होमवर्क में दे रहा हूँ, बिकॉज जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ज़्यादा आएगा, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। टिल हैं, जय हिंद।